टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र और मुंबई में बंद पड़े सिनेमा हॉल रविवार से खोल दिए जाएंगे, मगर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भले ही 50% क्षमता से खोलने की अनुमति दी गई है, मगर इस कोरोना संकट में क्या वाकई में लोग फिल्में देखने जाएंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता धार्मिक स्थल खोलने की मांग कर रही थी, ताकि वो अपने भगवान ईश्वर अल्लाह की इबादत पूजा अर्चना कर सकें। मगर सरकार की तरफ से सिनेमा हॉल खोलने का परमिशन दिया गया है, वो भी ठीक है। कम से कम सिनेमा हॉल में काम करने वाले लोगों को एक बार फिर रोजगार मिला है। सिनेमा हॉल मालिकों में भी काफ़ी खुशी है, वो भी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और सिनेमा हॉल में अब कौन सी फिल्म रिलीज होगी, इस पर भी सिनेमा मालिक भी सोच में है। ठाणे के वंदना सिनेमा हॉल के मालिक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम अपने चीफ मिनिस्टर साहब उद्धव जी ठाकरे, हमारे सांस्कृतिक मंत्री देशमुख जी का, क्योंकि देर सही लेकिन हमें ये परमिशन मिली है कि हम 50% कैपेसिटी में अपना थिएटर चला सकें। पिछले 8 महीनों से जो कुछ हमने हमारे स्टाफ ने झेला है वो तो हम खैर हमारी अगली पीढ़ियों तक बता सकते हैं, इतना कुछ जो कुछ लाइफ में हो चुका है। लेकिन अगर हम लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखें तो दिवाली से कम ये अनुमति तो दी गई है कि हम शुरू करें। अब पता नहीं कौन सी फिल्म है, कोई कौन रिलीज करना चाहेगा, बस हमें ये कम से कम अवसर तो मिला कि हम जो कोई प्रेक्षक देखना चाहते हैं उनको ये सहूलियत दे सके कि वो यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, सैनिटाइजेशन हो, उनको सोशल डिस्टेंस हो, उन सभी चीज़ों का, उन सभी प्रावधानों का जो कुछ हमें सरकारी आदेशों में उनका कैसे पालन कर सकते हैं कि प्लानिंग तो कम से कम हमने शुरू कर दी है। जब भी कोई भी फिल्म रिलीज होगी तो हम अब तैयार हैं लोगों का स्वागत करने के लिए। नियम किस तरह से रहेंगे जी? नियम किस तरह से रहेंगे जी? नियम जो बाकी आप जानते हैं उस तरह से सभी नियम हैं। आप अगर टिकट निकालने जाओगे तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। वहाँ पे हम लोग मार्किंग करके जिस तरह से एयरपोर्ट पे होते हैं, टिकट के लिए भी हम आपको बता देंगे कि आपको डिजिटल टिकट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रवृत्त करेंगे कि वो डिजिटल टिकटिंग करें। अंदर जाते वक्त हम उनका टेम्परेचर चेक करेंगे, उनको मास्क कंपलसरी लगाएंगे, उनको सैनिटाइज कंपलसरी करेंगे। अंदर भी जहाँ जहाँ वो घूमें एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हम सैनिटाइजेशन का सुविधा रखेंगे। उसके बाद अंदर सीटें जो है उन सीटों में भी एक एक सीट छोड़ के हम उन्हें बिठाएंगे। दो शो में जो अंतर होता है उसमें भी हम लोग ये करेंगे कि हर एक शो के दरमियान हर एक सीट को हम फिर से सैनिटाइज करेंगे। मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा सुरक्षितता अगर दे रहे हम लोग तो लोगों को भी ये समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे हम लोग सबसे सेफ है।